हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसईआर एकेडमी में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो डेली बोलता हूं कि देखिए हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ने के आपको क्या क्या फायदे होंगे, और हमारा जो प्लेटफॉर्म है भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। तो देखो, अगर आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ते हो तो आपको मोर देन 40 लाइव क्लासेस पैरेलल चल रही होती हैं। आप उन क्लासेस में क्या क्या पढ़ा उसका आपको लाइव टेस्ट और क्विजेस होगा, ठीक है। इसके बाद हमारे इसी प्लेटफॉर्म पे आप देखोगे कि स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस होगा और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं तो देखो, हमारा अनएकेडमी का ऐप है और आप इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, ऐसा इंटरफेस खुलकर आएगा, इसको डाउनलोड कर लो, अनएकेडमी लर्निंग ऐप, और हमारे साथ आप जुड़ सकते हो, ठीक है। इसके साथ हम आगे हम बात करते हैं। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम दिलजीत सिंह है। मैं इंडियन इकोनॉमी पीटी और मेंस के लिए हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूं, और इसके साथ साथ पॉलिटी पीटी के लिए, ठीक है ना। देखो, इसमें से एक दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप मुझसे तो पढ़ ही सकते हो, इसमें से जुड़ करके और भी एजुकेटर है जो हमारे, उनसे भी आप जुड़ कर क्या कर सकते हो, कर सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ दूसरी चीज ये है कि देखो, इसमें से 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। कितना? 15,000 से भी ज्यादा कोर्सेस स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में है। कॉम्प्रेहेंसिवली सिलेबस को कवर किया गया है, इसमें से आप देख सकते हो सारे सब्जेक्ट को लेकर के। तो आप हमारे साथ जुड़ के और इनका फायदा आप उठा सकते हो, ठीक है। नहीं, हमारे पास कुछ प्लान है। प्लान ये है, आप देख पा रहे हो, ये प्लान हमारा यानी प्लस का है, ठीक है, ये प्लस का है। तो इसके माध्यम से देखो, हमेशा आप बोलते हो ना डिस्काउंट चाहिए, डिस्काउंट चाहिए, तो इस वजह से हमने व्यवस्था करी है आपको 10% डिस्काउंट की। कब? जब ये कोड यूज करोगे, है ना, और सब्सक्राइब करोगे। और जब सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारे साथ जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन को बेहतर कर सकोगे। कॉम्प्रिहेंसिवली सिलेबस किया कवर किया जाएगा, सारी चीजें जो कंप्लीट आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ में लाइव क्लासेस होगा, टेस्ट सीरीज होगा, अनलिमिटेड प्रैक्टिस होगा, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, ये सारी चीजें आपको क्या है मिलेंगी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें हमें जैसे कि आइकॉनिक का भी प्लान है। आइकॉनिक के अंतर्गत आपको स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और जल्द से जल्द इसे सब्सक्राइब कर लो, ये आपके लिए सबसे बेहतर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है? दूसरी आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये है कि भाई इसका रेट भी हाइक होने वाला है, और आपको इसमें से पर्सनल कोच प्रोवाइड करवाया जाएगा, और अगेन 10% का डिस्काउंट मिलेगा आपको। तो जैसे कि 12 मंथ की जो फी है 69,500 रुपया है, तो आपको ये 62,550 देनी होगी, ठीक है ना। तो आपने यहाँ तक देखा, आप यूपीएससी इसमें से ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर के देख लो, ठीक है। तो चलो हम देखते हैं, कुछ बैचेस हमारे ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, जैसे कि ये बैचेस हैं, ठीक है। कुछ और बैचेस हैं जो स्टार्ट हो चुके हैं 28 को, तो आप देख सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया कि आइकॉनिक का जो प्लान है हमारा, ये क्या है, ये हो चुका है, सॉरी हाइक होने वाला है, ठीक है ना। सॉरी, तो जल्द से जल्द हमारे साथ जुड़ लो। अब चलो हम बढ़ते हैं आगे। आज मैं आपको बता दूं मॉनेटरी पॉलिसी क्या करना है, हमें मॉनेटरी पॉलिसी है ना, तो इसको डिस्कस करना है। मैंने इंट्रोडक्शन दो टॉपिक खत्म कर दिया है। पहला जो टॉपिक था इंट्रोडक्शन, 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 और जो दूसरा टॉपिक है, अच्छा तीन टॉपिक खत्म हो गया ना। दूसरा टॉपिक इन्फ्लेशन, छोटा टॉपिक था इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, और तीसरा ये बैंकिंग सिस्टम, बहुत मेमर टॉपिक बैंकिंग सिस्टम। ये तीन टॉपिक हमने समाप्त कर लिए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं तो पीटी में इन टॉपिक से करीब आपको 2 से 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं, 2 भी मिल सकते हैं और 4 भी मिल सकते हैं हर साल, जो 3 टॉपिक हैं। अब आया मॉनेटरी पॉलिसी, इससे अकेले 2 क्वेश्चन मिलते हैं पीटी में, पीटी में और मेंस में यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत चलो आप सभी का स्वागत है, ये नया टॉपिक है, एकदम फ्रेश टॉपिक है, और यहाँ इसके अंतर्गत आप देखोगे कि हम चीजों को बहुत कॉम्प्रेहेंसिवली डिस्कस करेंगे, और एक एक आज के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट नहीं रहेगा। इवन जितना टॉपिक मैं पढ़ाया उसमें किसी में डाउट नहीं रहेगा। लेकिन चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो पहले तो कहानी सुन लो डेली की तरह, क्योंकि कहानी जरूरी है, बिना कहानी के तो कोई चीज नहीं होने को है। देखो, ये जो पॉलिसीज है, ये जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियों के अंतर्गत, मॉनेटरी पॉलिसीज के अंतर्गत, ये नीतियां किसी भी देश की केंद्रीय बैंक, क्या है, ये जो नीतियां होती है मौद्रिक नीतियां, तो इन नीतियों को किसी भी देश की केंद्रीय बैंक जारी करती है। कौन जारी करता है? केंद्रीय
बैंक जारी करती है। और हमारी केंद्रीय बैंक क्या है? आरबीआई। हमारी केंद्रीय बैंक का क्या नाम है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। मैंने आपको बैंकिंग सेक्टर जब पढ़ा रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था, है ना। तो हमारी जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, अर्थात जो केंद्रीय बैंक है हमारी, और जितनी भी मौद्रिक नीतियां हैं, किसी भी देश की मौद्रिक नीतियों को जारी करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? वहां की केंद्रीय बैंक की होती है। इन नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा के प्रवाह, तरलता को नियंत्रित करती है। तरलता ऑलरेडी बता चुका हूं कि भैया ये वो चीज, ये वो वस्तु होती है जिसको आप बिना कठिनाई, बिना देर लगाए, बिना अविलंब के क्या कर सकते हो? कैश कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो, बदल सकते हो, उसको तरलता कहते हैं। तो केंद्रीय, हर एक देश की केंद्रीय बैंक की जिम्मेदारी होती है कि वो क्या करे कि जो देखो जो अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा है, क्या है, जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा का प्रवाह है उसको कंट्रोल करना। यदि अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा होती है, मान लो कि जो अर्थव्यवस्था है, अगर अर्थव्यवस्था में तरलता ज्यादा होती है तो वहां की केंद्रीय बैंक इन मौद्रिक नीतियों के माध्यम से तरलता को बढ़ा सकती है और कम कर सकती है। तो मान लो तरलता ज्यादा है, क्या है, तरलता ज्यादा है, अर्थात मुद्रा का प्रवाह ज्यादा है, तो इन्हीं मौद्रिक नीतियों के माध्यम से क्या होगा कि जो केंद्रीय बैंक है अर्थात आरबीआई है, आरबीआई क्या करेगी कि अपने रेट को क्या कर देगी, हाइक कर देगी। और जब रेट की यानी मौद्रिक नीतियों के दरों को हाइक कर देगी तो लोगों के पास कम पैसा जाएगा, और जब लोगों के पास कम पैसा जाएगा तो लोग मांग को कम जन्म देंगे, और जब लोग मांग को कम जन्म देंगे तो जो सप्लाई है, सप्लाई साइड बहुत ज्यादा बर्डन अर्थात प्रेशर नहीं होगा, तो सप्लाई सामान्यतः बनी रहने पे मांग कम होगी, तो धीरे धीरे चीजें क्या होने लगेंगी, आप देखोगे कि फिर वही सारा चीज हो जाएगा। कब ये अवस्था है? जब मान लो कि मुद्रा का प्रवाह बहुत ज्यादा है, लोग ज्यादा ज्यादा मांग को जन्म दे रहे हैं, जब मांग को जन्म देंगे तो मुद्रा स्फीति बढ़ेगी। तो आप ये कह सकते हो कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से अगर मुद्रा का प्रवाह ज्यादा होगा तो क्या होगा, फाइनली जो मुद्रा स्फीति क्या है, महंगाई बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए अगर इसके जस्ट अपोजिट अर्थात इसके जस्ट उल्टा स्थिति देखने को मिलती है, उल्टा क्या देखने को मिल सकता है कि अगर अर्थव्यवस्था में मुद्रा ही ना हो, मुद्रा का प्रवाह ही ना हो, तरलता ही ना हो, तो वहां की जो आर्थिक समृद्धि है उस देश की प्रभावित होगी। तो ये इसके माध्यम से जो केंद्रीय बैंक है, केंद्रीय बैंक हरकत करे, केंद्रीय बैंक क्या है, एक्शन में आएगा, और वो क्या करेगा कि जो मौद्रिक नीतियां हैं हरकत में आकर के मौद्रिक नीतियों के जो ध्यान रखिएगा दर है, उन दर को घटा देगा, उन दर को कम कर देगा, उन दर को क्या कर देगा, कम कर देगा। तो जब उन दर को कम कर देगा तो बैंकों को भी आसानी से, आप देखोगे इन डिटेल से देखेंगे तो बैंकों को आसानी से पैसा क्या होगा, प्राप्त होगा। अगर बैंकों को आसानी से रुपया और पैसा प्राप्त होगा तो आप देखोगे इसी के अंतर्गत कि बैंक भी आसानी से ब्याज दर पे, कम ब्याज दर पे लोगों को पैसा उपलब्ध करवाएंगे, क्योंकि बैंकों को भी कम ब्याज दर और आसानी से पैसा उसके केंद्रीय बैंक या फिर दूसरे बैंकों से क्या है, ऋण के रूप में प्राप्त हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखोगे कि अगर यहाँ तरलता कम थी तो तरलता को इंश्योर किया जाएगा ताकि वहां किसी भी प्रकार से आर्थिक समृद्धि पे उसकी असर देखने को न मिले, क्योंकि अगर तरलता कम होगी तो लोगों के पास पैसा नहीं होगा, पैसा नहीं होगा तो लोग मांग को जन्म नहीं दे पाएंगे, जब लोग मांग को जन्म नहीं दे पाएंगे तो सप्लाई साइड अलर्ट नहीं पहुंचेगा, जब सप्लाई साइड अलर्ट नहीं पहुंचेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, जब प्रोडक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट, आप ध्यान देंगे, ध्यान देंगे कि जो जीडीपी है, जो जीडीपी नहीं बढ़ेगी, और जीडीपी का ही बढ़ना आर्थिक समृद्धि का क्या है, उदाहरण है। तो आपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से देखा कि भाई ये जो मौद्रिक नीतियां हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारी केंद्रीय बैंक है यह निर्धारित करती है, यह कंट्रोल करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा, कितनी तरलता की जरूरत है, कितनी तरलता की जरूरत नहीं है। तो ये सारी चीजों को ये समझो वॉच डॉग कर रही होती है हमारी केंद्रीय बैंक, इसके माध्यम से ये सब करेगी, मौद्रिक नीतियों के माध्यम से ये सब करेगी। आप देखोगे कि मौद्रिक नीतियों को इसी के अकॉर्डिंगली क्या
क्या होता है कि हम दूसरे शब्दों में अगर इसको और कॉम्प्रहेंसिवली कहें तो हम ये कह सकते हैं कि मौद्रिक नीतियों के माध्यम से एक देश की केंद्रीय बैंक यह सुनिश्चित करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना ऋण किस ब्याज दर पर उपभोक्ता तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, ये कौन डिसाइड कर रहा है? ये वहां पे बैठी हुई हमारी केंद्रीय बैंक अर्थात आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड कर रही है। तो मौद्रिक नीतियों के कुछ उद्देश्य होते हैं। अगर हम बात करें तो मौद्रिक नीतियों के प्रमुख तीन उद्देश्य होते हैं, मौद्रिक नीतियों के कुछ उद्देश्य होते हैं। तो चलो थोड़ा सा पहले आप इस पे देख लो, मैंने इसका एक फ्रेमवर्क, एक खाका खींच के आपको क्या करता हूं बनाता हूं कि मौद्रिक नीतियों का काम क्या है और ये कैसे काम करेंगी और इनके उद्देश्य क्या है। आपने अभी लेक्चर को सुना, आपने अभी क्या किया, लेक्चर को सुना, अब कहानी को सुना, अब जरा इसको, इसका खाका बाका बुन लो, इसका ढांचा तैयार कर लो। देखो मौद्रिक नीतियां क्या है, मौद्रिक नीतियां, मौद्रिक नीतियां, अच्छा ये ना है ना, मौद्रिक नीतियां, इन मौद्रिक नीतियों को कौन तैयार करेगा? आरबीआई के दिशा निर्देशों के अनुसार ये तैयार होंगी। इन मौद्रिक नीतियां क्या करेंगी कि अगर हम एक लाइन में अर्थात 20 शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि इसके माध्यम से केंद्रीय बैंक यह निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना रुपया जाना चाहिए। केंद्रीय बैंक क्या करती है, यह निर्धारित करती है कि अर्थव्यवस्था में किस ब्याज दर पर कितना रुपया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस मौद्रिक नीतियों के उद्देश्य होंगे, कुछ ऐसा तो होगा नहीं। तो क्या उद्देश्य है जरा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करना, अभी मैं बताऊंगा कि ये मुद्रा स्फीति को कैसे नियंत्रित करना, नंबर एक। नंबर दूसरा है आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना। नंबर दो, आर्थिक समृद्धि को प्रबंधित करना। नंबर तीसरा है घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना। यानी घरेलू मुद्रा के विनिमय दर को संतुलित बनाए रखना। देखो ये उद्देश्य है, ठीक है, मुद्रास्फीति के। अब कैसे ये संभव है, इन उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होगी, हम थोड़ी सी इसको मैं यहाँ पे समराइज करने की कोशिश करूंगा। देखो भैया, अगर मान लो हमने तीनों ये आपको बताया, और होता क्या है कि अगर मान लो मुद्रास्फीति क्या हो रही है, मुद्रास्फीति बढ़ रही है, ध्यान दीजिएगा, अगर मुद्रास्फीति बढ़ रही है, मुद्रास्फीति क्यों बढ़ रही होगी, मुद्रास्फीति जब मांग ज्यादा होगी, क्या होगी, मांग ज्यादा होगी। पॉसिबल है, और भी कारण है, बता चुका हूँ, मुद्रास्फीति में तब बढ़ रही होगी। मांग कब ज्यादा होगी, जब पैसा यानी अर्थव्यवस्था में पैसा या रुपया ज्यादा होगा। ये ज्यादा कब होगा, जब मौद्रिक नीतियों जो मौद्रिक क्या है, मौद्रिक नीतियों की दरें जो दर है आधा, ये क्या होगी, कम होगी, मौद्रिक नीतियों की दरें कम होंगी। और जब दरें कम होगी तो बैंक को
सस्ता सस्ता और आसान ऋण मिलेगा, सस्ता और आसान ऋण मिलेगा। अब सस्ता और आसान ऋण मिलेगा तो बैंक भी सस्ता ऋण प्रोवाइड करेंगे, सस्ता ऋण प्रोवाइड करेंगे, तो लोगों के पास पैसा जाएगा। किसके? लोगों के पास पैसा जाएगा, पैसा जाएगा सस्ती ब्याज दर पे, तो लोग मांग को जन्म देंगे। किसको? मांग को जन्म देंगे। सप्लाई रातों रात यानी आपूर्ति है, आपूर्ति रातों रात तो बढ़ नहीं जाएगी, रातों रात बढ़ नहीं जाएगी, बढ़ नहीं जाएगी, रातों रात बढ़ नहीं जाएगी। जब ऐसा होगा, जब आपूर्ति रातों रात नहीं बढ़ जाएगी, तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि मांग ज्यादा होने के चलते, मांग ज्यादा होने के चलते क्या हो जाएगा कि मुद्रा स्फीति, देखो मांग ज्यादा है सप्लाई से, सप्लाई से तो मुद्रा स्फीति उत्पन्न हो जाएगी। तो देखो ये मैंने सारी चीजें जोड़ के बताई, तो मुद्रा स्फीति क्या हो जाएगी? उत्पन्न हो जाएगी। तो अगर इस मुद्रा स्फीति को कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? जरूर देखो यहाँ पे कि ये मौद्रिक नीतियों की जो दरें हैं, ये जो दरों को क्या किया जाएगा, यहाँ कम है इसको बढ़ा दिया जाएगा। जब इसको बढ़ा दिया जाएगा तो आप देखोगे कि सारी चीजें क्या हो जाएंगी? कंट्रोल हो जाएंगी। तो ये तो इसका एक समरी हमने बताया, ये इसका ढांचा है कि कैसे कंट्रोल होगा। अभी जो मौद्रिक नीतियों के माध्यम से कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, उन्हीं उपकरणों में आरबीआई उनकी दरों को घटाएगी और बढ़ाएगी। ठीक है, दूसरा मैंने बताया कि आर्थिक समृद्धि को मैनेज करना, आर्थिक समृद्धि को मैनेज करना, यहीं से जरा देख लो कि मान लो आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है, आर्थिक समृद्धि जो क्या है, समृद्धि है, रुकी हुई है, आर्थिक समृद्धि रुकी हुई है। ये क्यों रुकी है? लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब मांग नहीं है। अब मांग नहीं है तो सप्लाई नहीं है, तो ऐसा कब है जब लोगों के पास पैसा नहीं, तो इस दर को इस हालात में कम कर दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा, आर्थिक समृद्धि को मैनेज किया जा सकेगा। दूसरी चीज देखो कि घरेलू मुद्रा के विनिमय दर, एक्सचेंज रेट को क्या किया जाएगा, संतुलित बनाए रखने के लिए। हम जब आगे जाके चल के आपको बताएंगे कि डर्टी फ्लोट सिस्टम, क्लीन फ्लोट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, इन हम इसको मैनेज करने के लिए, विनिमय दर को संतुलित बनाए रखने के लिए, एक्सचेंज रेट को संतुलित बनाए रखने के लिए, तो हम कौन सा सिस्टम यूज करते हैं, आरबीआई इसके लिए दिशा निर्देश जारी करेगी। तो यहां तक देखा, ये जो क्लीन फ्लोट सिस्टम अमेरिका यूज करता है, जो डर्टी फ्लोट सिस्टम और मैनेज्ड फ्लोट सिस्टम, इसके भी बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो आपने यहां तक चीजों को देखा। अब देखो भारत में मौद्रिक नीतियां जो होती हैं, जो मॉनेटरी पॉलिसी होती हैं, भारत में मौद्रिक नीतियां क्या है कि वर्ष में 2 बार जारी होती हैं। ये कब कब? अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में, यानी अप्रैल और अक्टूबर के मंथ में जारी होती हैं, और प्रत्येक 2 माह में इनकी समीक्षा होती है, प्रत्येक 2 माह में इनकी क्या होती है, समीक्षा होती है। इन नीतियों के अंतर्गत मुद्रा स्फीति के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए जो उपकरण यूज में लाए जाएंगे, इनको हम प्रॉपरली 2 हिस्सों में बांट लेंगे। दोबारा सुनिएगा, मैंने कहा कि भाई भारत में मौद्रिक नीतियां वर्ष में 2 बार जारी करी जाएंगी, जो कि आपकी स्लाइड में भी ये मेंशन है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं, है ना। तो मैंने जब कहा कि वर्ष में 2 बार जारी करी जाएंगी, क्या है, 2 बार जारी करी जाएंगी, कब कब जारी करी जाएंगी, एक तो अप्रैल के मंथ में जारी करी जाएंगी और एक अक्टूबर के मंथ में जारी करी जाएंगी। लेकिन इनकी समीक्षा, ध्यान रखिएगा, इन मौद्रिक नीतियों की जो समीक्षा है, ये प्रत्येक 2 माह में करी जाएगी, क्या है, प्रत्येक 2 माह में करी जाएगी। और इन्हीं नीतियों के अंतर्गत जो मुद्रा का प्रवाह है, मुद्रा का सर्कुलेशन है, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा, इनको कंट्रोल करने के लिए कुछ उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा। तो उन उपकरणों को 2 हिस्सों में बांट कर देख सकते हैं। तो ये जो 2 हिस्से रहेंगे, अगर हम इनको बात करते हैं, तो एक पारंपरिक होगा, एक गैर पारंपरिक होगा। एक क्या होगा, पहले आप लिख लो पारंपरिक, क्या है, पारंपरिक, पारंपरिक, और दूसरा गैर पारंपरिक, दूसरा गैर पारंपरिक, गैर पारंपरिक,
तो अब गैर पारंपरिक और पारंपरिक को जरा आप क्या करोगे, इसको देखोगे। तो पहले ध्यान से देखना जरा कि आप इसमें से जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपकरण है ये होते क्या हैं, तो इनको मैं बता देता हूं। अब यहां से कहानी सुनना चालू करना। देखो पारंपरिक उपकरण जो होते हैं सामान्य परिस्थितियों में इनका प्रयोग किया जाता है। पारंपरिक जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ट्रेडिशनल टूल्स होते हैं, इनका सामान्य परिस्थितियों में प्रयोग किया जाता है। जिसका प्रभाव कम होता है, अगर मान लो इनका प्रभाव कम होता है या फिर नहीं हो पाता है, तब गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रभाव किया जाएगा। इसे और साधारण भाषा में समझिएगा, मैंने कहा कि पारंपरिक जो उपकरण है इनका जो उपयोग है, इनका यूज सामान्य परिस्थितियों में किया जाएगा, जब परिस्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन अगर मान लो कि इनका प्रभाव नहीं पड़ रहा है या बहुत कम पड़ रहा है, तो हमें और ज्यादा कंट्रोल करने की जरूरत है, अर्थात आरबीआई को इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल करने की और ज्यादा जरूरत है। तो आरबीआई क्या करेगी, गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करेगी। क्या करेगी, गैर पारंपरिक उपकरणों का प्रयोग करेगी। तो जो पारंपरिक और गैर पारंपरिक उपकरण मैंने आपको ये दो बताया, देख पा रहे हैं कि मैंने आपको क्या बताया कि ये जो देखो पारंपरिक उपकरण और गैर पारंपरिक उपकरण, तो इस पारंपरिक उपकरणों को भी हम दो भागों में बांट के पढ़ सकते हैं। एक होता है मात्रात्मक उपकरण, इसको क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, और दूसरा होता है गुणात्मक उपकरण अर्थात क्वालिटेटिव टूल्स। तो देखो मात्रात्मक उपकरण और क्या है गुणात्मक उपकरण, ये क्या होते हैं, ये पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत होते हैं, ध्यान रखिएगा। गैर पारंपरिक उपकरणों का मैंने बताया कि प्रयोग कब किया जाएगा, जब पारंपरिक जो उपकरण है उनका प्रयोग कम हो जाएगा या उनका जो प्रभाव है उस खत्म हो जाएगा, तब आरबीआई कोशिश करेगी कि गैर पारंपरिक प्रयोगों को अपनाया जाए। लेकिन वही पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत हम दो प्रकार के उपकरणों को क्या करेंगे, पढ़ के देखेंगे। तो इसमें भी जो प्रायोरिटीज है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें जो मात्रात्मक उपकरणों का ज्यादा प्रयोग करने की कोशिश करेगी। लेकिन अगर मान लो मात्रात्मक उपकरण असफल हो जाते हैं, तब आरबीआई गुणात्मक उपकरण क्या करेगी, उनको लागू करेगी। तो आप कह सकते हो कि भाई गुणात्मक उपकरणों का प्रयोग तब होता है जब मात्रात्मक उपकरण प्रभावहीन हो जाते हैं, उनका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। लेकिन इससे भिन्न दूसरी तरफ गैर पारंपरिक उपकरण जो होंगे, तो गैर पारंपरिक उपकरणों का अगर ये मात्रात्मक यानी गुणात्मक इन दोनों का प्रभाव नल एंड वॉइड खत्म हो गया है, कोई प्रभाव नहीं है, तो फिर हम गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत क्या करेंगे, उनको पढ़ेंगे। तो गैर पारंपरिक जो उपकरण होंगे अर्थात नॉन ट्रेडिशनल उपकरण होंगे, एक होगा हेलीकॉप्टर ड्राफ्ट, इसी को हेलीकॉप्टर मनी कहा जाएगा। हेलीकॉप्टर से पैसा नहीं छोड़ा जाएगा, परेशान होने की बात नहीं है, जब इसका टाइम आएगा तो डिटेल से बताऊंगा, ठीक है। तो इसके एक टर्मिनोलॉजी होगी हेलीकॉप्टर ड्रॉप अर्थात हेलीकॉप्टर मनी, दूसरी जो टर्मिनोलॉजी होगी वो हेलीकॉप्टर हुबर या फिर क्या होगा डिमोनिटाइजेशन, ठीक है। हुबर से देखो मैं बता दूं, हुबर सुने होंगे ना, वैक्यूम क्लीनर की तरह, ये वैक्यूम क्लीनर की तरह वो क्या करता है, सारी चीज को सक कर लेता है, सोख लेता है। तो हेलीकॉप्टर हुबर इसका जो उदाहरण है डिमोनिटाइजेशन, बहुत अच्छा उदाहरण है। डिमोनिटाइजेशन के दौरान क्या होता है, जितना भी पैसा होता है सब हमारा जो बैंकिंग सिस्टम में यानी आरबीआई सोख लेती है। इसी का जो तीसरा यानी गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत हम तीसरा पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, क्या पढ़ेंगे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट, नकारात्मक ब्याज दर, ठीक है। तो ये तो हुए भैया गैर पारंपरिक उपकरण। अब पारंपरिक उपकरणों की अगर हम बात करें, तो पारंपरिक उपकरणों में मैंने बताया एक मात्रात्मक और एक गुणात्मक। तो मात्रात्मक उपकरणों को मुख्यतः सात भागों में बांट के देख सकते हो, कितने सात भागों में, तो सात भागों में एक नगद आरक्षी अनुपात जिसको कैश रिजर्व रेशियो कहेंगे, सीआरआर आप सुने होंगे, जो सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, हिंदी में इसको नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। अगला होता है स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात, क्या बोलते हैं इसको वैधानिक तरलता अनुपात, इसको लीगल लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है, ठीक है, यानी एलएलआर भी बोला जाता है। कहीं अगर आपको एलएलआर देखने को मिले तो एसएलआर ही एलएलआर है, यानी
यानी लीगल लिक्विडिटी रेशियो अर्थात स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो सेम ही होता है। अगला होगा मात्रात्मक उपकरणों के अंतर्गत खुले बाजार की प्रक्रिया ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्या होगा ओपन मार्केट ऑपरेशन। नेक्स्ट होगा यानी बैंक रेट। अगला होगा रिवर्स रेपो रेट, जो नंबर पांचवा होगा रिवर्स रेपो रेट होगा, और नंबर जो छठा होगा वो रेपो रेट होगा, और सातवां मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी या फिर सीमांत स्थायी सुविधा। ये सभी टर्मिनोलॉजी हैं, इनको हम आगे चल के डिटेल से क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहां तक उम्मीद करता हूं ये तो सिर्फ इसका मॉनेटरी पॉलिसी का इंट्रो पार्ट है, यहां किसी भी बच्चा को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। तो देखो अगली स्लाइड हमारी हो सकता है इसी से संबंधित है, जो कि लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो जरा हम क्या करते हैं इसको हाईलाइट करके मैं आपको कुछ चीजें बताने की कोशिश करता हूं, है ना। देखो पारंपरिक मैंने बताया ना, पारंपरिक जो उपकरण है इनका प्रयोग सामान्य परिस्थितियों में होगा, ठीक है। अब अगर ये उपकरण का प्रभाव समाप्त हो जाए या कम हो जाए तो हम किसका प्रभाव किसको यूज करेंगे, गैर पारंपरिक उपकरणों को उपयोग करेंगे। वहीं पारंपरिक उपकरणों को दो भागों में बांट के, जैसे एक मात्रात्मक उपकरण इसको क्वांटिटेटिव टूल्स कहते हैं, दूसरा गुणात्मक उपकरण क्वालिटेटिव टूल्स कहलाता है। गुणात्मक उपकरणों का प्रभाव प्रयोग तब किया जाएगा जब मात्रात्मक उपकरण क्या हो जाएंगे, ये काम करना नहीं बंद करेंगे, प्रायोरिटी मात्रात्मक उपकरणों की होगी। अगर ये दोनों काम करना क्या करते हैं बंद कर दें तो इसके बाद आएगा यानी नॉन ट्रेडिशनल अर्थात गैर पारंपरिक क्या है उपकरण। तो गैर पारंपरिक उपकरणों के अंतर्गत मैंने बताया देखो हेलीकॉप्टर ड्रॉप अर्थात हेलीकॉप्टर मनी, दूसरा बताया हेलीकॉप्टर हुवर यानी डीमोनेटाइजेशन, ठीक है, और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट नकारात्मक ब्याज दर, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो तीनों उपकरण है ये गैर पारंपरिक, ये क्या है गैर पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत है, ठीक है। इसके बाद हम आगे, जैसे कि मैंने आपको पारंपरिक उपकरणों में मात्रात्मक उपकरण में आप क्या क्या पढ़ोगे तो जरा इसे देख लो। अगर हम मात्रात्मक उपकरण में नगद आरक्षी अनुपात, ठीक है, डिटेल से पढ़ेंगे कि भाई ये नगद आरक्षी अनुपात अर्थात कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है, ये देखो इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं, है ना। वैधानिक तरलता अनुपात, इन सभी को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, और यही तो उपकरण है, इन्हीं उपकरणों का उपयोग करते हुए आरबीआई क्या करती है सारी चीज को मैनेज करती है कि अर्थव्यवस्था में कितनी तरलता होनी चाहिए कितनी तरलता नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजों का जो मैनेजमेंट है वो आरबीआई इन्हीं सभी उपकरणों के अंतर्गत इन्हीं सभी उपकरणों का उपयोग करते हुए करती है। तो जैसे वैधानिक तरलता अनुपात इसको स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो एसएलआर या एलएलआर, अगर कहीं आपको इसके लिए मिलता है एलएलआर, इसको लीगल लिक्विडिटी रेशियो भी कहा जाता है। तो एलएलआर तो ध्यान रखिएगा, खुले बाजार की प्रक्रिया यानी ओपन मार्केट ऑपरेशन, बैंक रेट क्या है बैंक दर, रेपो रेट रेपो दर, रिवर्स रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट, सीमांत स्थायी सुविधा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। तो ये सारे उपकरण ये मात्रात्मक उपकरण है, ये क्या है ये मात्रात्मक उपकरण है, और इनका प्रयोग सॉरी पारंपरिक जो उपकरणों के अंतर्गत किया जाता है, मात्रात्मक उपकरण है ये, ठीक है। तो अगला जो टर्मिनोलॉजी, अब तो इसको हम डिटेल से देखेंगे, लेकिन इससे पहले आपको एनडीटीएल बता देता हूं। एनडीटीएल नहीं, मैं बार बार एक शब्द बोलूंगा कि एनडीटीएल एनडीटीएल, और आप इस शब्द के चक्कर में खूब कहोगे कि आपका मतलब भटकेंगे, तो एनडीटीएल बताना क्या है जरूरी है, ठीक है। नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी, तो पहले तो इसको एनडीटीएल, अच्छा हमें अब पेन यूज करना होगा भाई साहब। चलो देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, एक बार समझा दूंगा ना तो आपके दिमाग में सारी चीजें बैठ जाएंगी, है ना। तो एनडीटीएल, एन इसका खूब मैं उपयोग करूंगा इस शब्द का एनडीटीएल, तो इसे जरा समझने की कोशिश करो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसका जो एनडीटीएल इज स्टैंड फॉर नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटी एंड टाइम लाइबिलिटी, टाइम लाइबिलिटी इसको कहते क्या है निवल मांग
और सावधि देता, और सावधि सावधि देता देता, ये होता क्या है जरा ये देखो। देखो नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी अर्थात एनडीटीएल, अब मैं बार बार बोलूंगा इसको, नहीं मैं फुल फॉर्म नहीं इसका बोलूंगा। तो देखो जो बैंकों के पास जो जो जन जो आई हुई जो धनराशि होती है वो बैंकों की देयता कहलाती है। देखो बैंकों के पास दो प्रकार की, मान लो जो जो आपने बैंकों के पास जमा किया पैसा, ठीक है, बैंकों के पास जो भी पैसा आपने जमा किया, पैसा बैंकों पैसा, वो पैसा जो आपने जमा किया, जो आपने जमा किया, ये बैंकों की देयता कहलाती है, ये बैंकों की देयता कहलाती है, ठीक है। और वो पैसा जो बैंकों ने किसी को ब्याज में दे दिया है वो बैंकों की एसेट्स कहलाती है। तो आपको दोनों टर्म्स यानी लायबिलिटी और एसेट्स परिसंपत्ति ये पता होनी चाहिए। मतलब हमने जो पैसा बैंकों के पास जमा किया है वो बैंकों की परिसंपत्ति नहीं है, वो बैंकों की देयता है, वो बैंकों की लायबिलिटी है, वो बैंकों की क्या है, लायबिलिटी है, बैंकों की देयता है, क्या है, बैंकों की देयता है। तो ये जो एनडीटीएल के अंतर्गत देखेंगे कि जो बैंकों की भाई जो बैंकों के पास जो संपत्ति नहीं कहेंगे, जो पैसा आया हुआ है वो किसी भी माध्यम में हो सकता है, वो बैंकों की देयता कहलाएगा, बैंकों की लायबिलिटी कहलाएगा। देयता को भी हम दो हिस्सों में बांट सकते हैं। ये जो देयता है, जो लायबिलिटी है, देयता का मतलब होता है भार, देयता का मतलब क्या होता है, भार। जैसे कि आप मान लो कि किसी रामदीन से या भवानी लाल से या किसी से आप 10 रुपया लेके आए, तो आप क्या ये कहोगे कि हमारा ये संपत्ति है? नहीं, आप पे भार है 10 रुपया का, आपके किसी का ऋण है 10 रुपया का, ये आपकी देयता है, ये लाइबिलिटी है, ये आप पर क्या है, बर्डन है, ठीक है, आप पर बर्डन है। तो इस बर्डन को अर्थात देयता अर्थात लाइबिलिटी को हम दो भागों में बांट के देख सकते हैं, मांग देयता, मांग देता, और दूसरा सावधि देता। ध्यान रखिएगा इसको भी हम दो भागों में बांटा, मांग देता और सावधि देता, मांग देता और सावधि देता। तो अब मांग देता क्या है और सावधि देता क्या है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए पहले तो मैं मांग देता बता देता हूं। मांग देता वो देता है जिसकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है। मांग देताएं वे देताएं हैं जिसकी परिपक्वता की कोई अवधि नहीं होती है। ऐसी जमा राशि को जमाकर्ता कभी भी क्या कर सकेगा, विड्रॉ कर सकेगा, निकाल सकेगा, ठीक है। जैसे कि चालू खाता और बचत खाता के अंतर्गत जो धनराशि रखी जाती है, चालू खाता और बचत खाता के अंतर्गत जो धनराशि रखी जाती है वो बैंकों की मांग देता कहलाती है, बैंकों की मांग देता कहलाती है। देखो इसका उदाहरण कासा, अगर इसके अंतर्गत क्या आएगा, कासा, कासा करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट, इन दोनों अकाउंट के माध्यम से जितना बैंकों के पास पैसा जमा होगा ये बैंकों की मांग देता कहलाएगी। तो भैया इसकी कोई परिपक्वता की अवधि नहीं होती है, अवधि नहीं होती है, जो जमा करता है कभी भी निकाल सकता है, कोई इसका टाइम लिमिट नहीं होता है, कभी भी क्या कर सकता है, निकाल सकता है, ध्यान रखिएगा कभी भी क्या करेगा, इसमें से निकाल सकेगा वो व्यक्ति। तो जैसे कि आपका अकाउंट, मान लो कि जो सेविंग अकाउंट है और आप पैसा जमा करके आ जाए, कल आपको पैसे की जरूरत है तो आप जाके निकाल लो, ठीक है। तो ये बैंकों की मांग देता कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बैंकों की मांग देता कहलाएगी। वैसे करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट जो मैंने बताया, तो इसमें डिफरेंट भी जान लो। देखो सेविंग अकाउंट जो होता है इसमें आपको इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट मिलता है, बल्कि करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सेविंग अकाउंट व्यक्तिगत आदमी के नाम पे खुलता है, पर्टिकुलर आदमी के नाम पे खुल जाता है, बल्कि करंट अकाउंट ये किसी संस्था किसी इकाई के नाम पे खुलता है, किसी ट्रस्ट के नाम पे खुलता है। तो सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में ये डिफरेंट होता है। आप जब अपना पैसा एटीएम मशीन से विड्रॉ करने जाते हैं तो आप जब कार्ड लेके जाते हैं तो ज्यादातर आपके पास सेविंग अकाउंट होता है, आप वो मांगता है सेविंग, तो जब आप सेविंग क्लिक करते हो तभी पॉसिबल आपका पैसा विड्रॉ होता है। तो
वहीं करंट अकाउंट मैंने बताया, करंट अकाउंट किसी संस्था के नाम पे होता है या किसी इकाई यूनिट के नाम पे होता है, वो किसी निजी व्यक्ति के नाम पे करंट अकाउंट नहीं होता है। करंट अकाउंट में आपको ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में आपको ब्याज मिलता है। तो करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट के अंतर्गत जो भी पैसा जमा होगा किसी भी बैंक के पास, वो बैंकों की क्या कहलाएगी, देयता कहलाएगी, ना कि परिसंपत्ति। परिसंपत्ति नहीं कहलाएगी, देयता कहलाएगी। समझ आया? चलो ये समझ आ गया होगा। अब सावधि देयता को जरा समझ लो कि भाई ये सावधि देयता क्या है, जो आप ये सावधि देयता को ध्यान दे रहे हो। देखो ये सावधि देयता, इसको टर्म डिपॉजिट बोलते हैं। क्या है? जो सावधि फिक्स डिपॉजिट। देखो इसमें क्या होता है, जो जमा करता, इसमें जमा करता इसका एक मैच्योरिटी टाइम होता है। जमा करता किसी भी टाइम पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। सावधि देयता के अंतर्गत जमा करता कभी भी पैसा विड्रॉ नहीं कर सकता है। इसकी क्या होती है, इसकी टाइम लिमिट होता है, इसका मैच्योरिटी पीरियड होता है। जब मैच्योरिटी पीरियड क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, तभी पॉसिबल है, इससे पहले की पॉसिबल नहीं है कि आप पैसा विड्रॉ कर सको। तो इसके ये जो सावधि देयता भी इस ये दो अकाउंट पे क्या करती है, वर्क करती है। एक इसका होता है यानी फिक्स्ड डिपॉजिट के माध्यम से, तो एक एक जो अकाउंट होगा फिक्स्ड अकाउंट होगा, ठीक है, और दूसरा अकाउंट होगा इसका रिकरिंग अकाउंट होगा। क्या होगा? रिकरिंग अकाउंट होगा। आप ये कह लो कि उदाहरण के तौर पे अगर हम बात करें तो सावधि देयता को दो भागों में बांट सकते हैं, एक मियादी जमा राशि अर्थात फिक्स डिपॉजिट, और दूसरा क्या होगा, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी इसको आवर्ती जमा राशि कहते हैं। अब ये दोनों क्या है, जरा जैसे कि मैंने कासा अर्थात करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट को बताया, तो जरा आपको इसको देख लीजिएगा कि फिक्स डिपॉजिट और रिकरिंग डिपॉजिट ये क्या होता है। देखो फिक्स डिपॉजिट का मतलब ये क्या है, अगर आपने एफडी करवाई, फिक्स डिपॉजिट करवाया, तो आपने 3 साल के लिए करवाया, तो आज पैसा जमा किया और आपको आफ्टर 3 ईयर क्या है, पैसा मिलेगा, ठीक है, इसकी मैच्योरिटी पीरियड ये ऐसा होता है। रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है, ये भी एक एफडी का ही प्रारूप है, फिक्स डिपॉजिट का ही प्रारूप है, उस टाइम लिमिट के बाद ही, मैच्योरिटी पीरियड के बाद ही पैसा क्या होगा, जमा होगा, लेकिन इसमें जो सॉरी निकलेगा, लेकिन इसमें से जमा करने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जैसे कि आप हर माह 10,000 का एफडी करते हैं, तो ये दिसंबर चल रहा है, आपने अगला जनवरी में 21 जनवरी में एफडी कर दिया 10,000 का, अगले जनवरी में आपने एफडी कर दिया, लेकिन इसका एक निश्चित टाइम पीरियड बाद ये भी क्या करेगा, ये पैसा भी विड्रॉ होगा। तो इसमें क्या होता है, जो फिक्स डिपॉजिट में एक बार आपने जमा किया और लास्ट टाइम निकलेगा, इसमें क्या होता है टाइम टू टाइम, रिकरिंग डिपॉजिट में आवर्ती जमा राशि में ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो हम भैया ये इतना सब पढ़ाया, इतना बताया क्यों, क्योंकि हमें एनडीटीएल बताना था, एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी बताना था। तो आपको अब समझ आना चाहिए कि भैया जो मांग देता और जो सावधि देता है, जो क्या है, मांग देता और सावधि देता, दोनों को सम्मिलित रूप से मांग देता और सावधि देता को ही क्या कहते हैं, बैंकों का निवल मांग और सावधि क्या कहते हैं, देता कहते हैं, अर्थात एनडीटीएल नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेट डिमांड टाइम लायबिलिटी कहा जाता है। तो आपने ये देखा, ये बैंकों की देयता है, परिसंपत्ति नहीं है। परिसंपत्ति क्या होगी, जब बैंकों का रुपया क्या होगा, बैंकों का रुपया जो बैंकों ने किसी को ब्याज के रूप में दिया होगा, वो एसेट्स होगा, वो क्या होगा, एसेट्स होगा। तो भैया यहां तक आपने चीज को देखा, तो चलो अब हम चलते हैं आगे। हमें जो बात करनी है किसमें, कि जो पारंपरिक उपकरण है, और उस पारंपरिक उपकरण के अंतर्गत जो मात्रात्मक उपकरण है, पहला था कैश रिजर्व रेशियो। क्या था? कैश रिजर्व रेशियो, इसी को हिंदी में नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। क्या कहते हैं? नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। तो चलो जरा देख लो कि भाई नगद आरक्षी अनुपात क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में जान लेते हैं, है ना। तो चिल्लाते चिल्लाते तो मेरा मतलब समझ लीजिए चलाना पड़ता है ना, माइक का यूज करता हूँ फिर भी, क्योंकि जोर इस वजह से देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। तो कभी कभी गला मेरा बैठ जाता है, नहीं खराब हो जाता है, खराब जाना समझ रहे हो। मैं एक मिनट का यहाँ जब तक रिवाइज कर लो, मैं आपको टाइम ले रहा हूँ, चलो है ना। तो सी आर आर देखना, कैश रिजर्व रेशियो, सी आर आर,
कैश रिजर्व रेशियो। देखो ये कैश रिजर्व रेशियो क्या है, अच्छा इसमें ये बैंकों का ध्यान रखिएगा, ये बैंकों की कुल जमा राशि का वह हिस्सा होता है जिसे बैंक अनिवार्य रूप से अपने पास क्या करते हैं, सॉरी आरबीआई के पास नगद में रखती है। दोबारा सुनिएगा, ये जो सीआरआर है, कैश रिजर्व रेशियो है, नगद आरक्षी अनुपात है, यह बैंकों की टोटल एनडीटीएल का कुल धनराशि का मतलब एनडीटीएल, एनडीटीएल समझ आया कि चाहे वो कासा के रूप में लिया गया हो, चाहे वो एफडी या फिर रेकरिंग अकाउंट के रूप में लिया गया हो, जितना भी पैसा बैंकों के पास पब्लिक का आया है वो सभी पैसा एनडीटीएल कहलाएगा। सीआरआर को पढ़ रहे हैं तो ये बैंकों के टोटल एनडीटीएल का जितना कि आरबीआई उस समय निर्धारित करे, क्योंकि ये टाइम टू टाइम फ्लैक्चुएट अर्थात चेंज होता रहता है, तो आरबीआई के पास बैंकों को जो हिस्सा निर्धारित होगा उतना कैश के रूप में रखना होगा। किसके रूप में? कैश के रूप में रखना होगा। इस हिस्से इस जो ये वाला हिस्सा है ना, आरबीआई यूज करेगी जो पैसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आरबीआई यूज करेगी, और बैंक तो यूज कर ही नहीं सकते क्योंकि आरबीआई के पास क्या हो गया है, चला गया है, ठीक है। तो इसी को नगद आरक्षी अनुपात कहते हैं। इस समय इसका जो रेट है वो 3% है, कितना? 3% है। सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास जो रखी गई धनराशि किसी भी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं कर सकेगा, ना ही आरबीआई और ना ही बैंक, और आरबीआई इसमें कोई ब्याज भी नहीं देगा, आरबीआई इसमें कोई सीआरआर में ब्याज भी नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, जरा मैं इसको फिजिकली उदाहरण से समझाना चाहूंगा। देखो सीआरआर क्या है, देखो बैंकों का मान लो कि 100 रुपया एनडीटीएल है, एनडीटीएल बार बार नहीं बताऊंगा भैया, एनडी एनडीटीएल 100 रुपया है, एनडीटीएल में मान लो चलो बांटना है 100 रुपया को, है ना, 100 रुपया को बांटना है, चलो अच्छा 100 को अच्छे से बना दें, फिर ना आप बोलोगे कि सर तो ये 100 रुपया को चलो 25 रुपया हो गया इसका क्या सेविंग अकाउंट के माध्यम से बैंकों में आया, जैसे पंजाब बैंक ले लो, ये पीएनबी ले लो, है ना, सेविंग अकाउंट के रूप में आया 25 रुपया, करंट अकाउंट के रूप में आया, क्या है, करंट अकाउंट के रूप में आया 25 रुपया, एफडी किसी ने करवा दी, और 25 रिकरिंग अकाउंट, ठीक है, टोटल हो गया 100 रुपया, टोटल हो गया 100 रुपया, यही बैंकों का क्या है, एनडीटीएल है, एनडीटीएल है, यही बैंकों का एनडीटीएल है, नेट डिमांड टाइम लाइबिलिटी है। मैंने कहा कि टोटल एनडीटीएल का यह परसेंटेज फ्लेक्चुएट होता रहता है जो उस समय आरबीआई क्या करेगा, निर्धारित करेगा, तो अनिवार्य रूप से आरबीआई के पास नगद रखना पड़ेगा। तो ये बैंकों के पास 100 रुपया मतलब पीएनबी के पास आया, अब आरबीआई बोलेगा कि आपको, ये जो आरबीआई कहेगा कि आपको टोटल एनडीटीएल का समझो 3% है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे पास आपको अपने इस हिस्से को भेजना पड़ेगा। तो 97 रुपया तो इसके कारोबार के लिए बच गया पंजाब बैंक के, और 3 रुपया है 100 रुपया में से, तो 3 रुपया कहाँ चला गया, आरबीआई के पास चला गया, ये 3 रुपया। अब तो ध्यान दीजिएगा इसका प्रभाव कैसे कैसे पड़ेगा, वो इंपॉर्टेंट है, इसका एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका एप्लीकेशन कैसे इंपॉर्टेंट है और कैसे काम करोगे आप, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो बहुत सिंपल और साधारण है कि भैया 97 रुपया में ही अब कारोबार करेगा पंजाब बैंक, 3 रुपया तो कहाँ चला गया, ये आरबीआई के पास चला गया। अब ये 3 रुपया में ध्यान रखना आरबीआई कोई ब्याज नहीं देगा, कोई ब्याज नहीं देगा, और ना ही इस 3 रुपया का कोई यूज होगा, कोई यूज भी नहीं होगा, कोई उपयोग नहीं होगा। तो ये अर्थव्यवस्था से क्या हो गया, ये पैसा अर्थव्यवस्था से बाहर हो गया, बाहर हो गया ना। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको बताता हूं और इसका एप्लीकेशन कैसे लागू होगा। मान लो आरबीआई बैंक के ब्याज, जो मान लो कि अगर जो पैसा ये जो 3 रुपया है, आरबीआई इसमें कोई ब्याज अदा नहीं कर रही है, तो जो बैंकों को तो लॉस होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा क्यों किया जा रहा है कि लोगों का पैसा है उनकी सिक्योरिटी इंश्योर की जा सके। तो यहां अब देखने की जरूरत है और समझने की जरूरत है इसका एप्लीकेशन क्या है, कि अब देखो बैंकों से 97 रुपया बचा, अगर इसका रेट मान लो 10% कर दिया जाए तो बैंकों के पास मात्र 90 रुपया बचेगा, 90 बचेगा ना कारोबार के लिए, 10% चला जाएगा, अगर सीआरआर का रेट 10% कर दिया जाए तो अब इनको 90 रुपए में ही कारोबार करना पड़ेगा।
जब सीआरआर का रेट बढ़ेगा तो मतलब आर बैंकों से अर्थव्यवस्था से आरबीआई की ओर पैसा जाएगा, और वो पैसा सीज्ड हो रहा है, उसका कोई उपयोग नहीं है, उसका उस पैसे का कोई उपयोग भी नहीं हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या समझ आता है कि जितना जब ज्यादा ज्यादा जहां रेट बढ़ेगा तो मार्केट में कम पैसा बचेगा, अर्थात बैंकों के पास कम पैसा बचेगा, बैंक लोगों को कम कम ऋण दे सकेंगे और महंगी ब्याज दर पे ऋण दे सकेंगे। अब महंगा ये कब करेगा, जब मान लो मार्केट में बहुत ज्यादा मांग है, बहुत ज्यादा पैसा है, तो आरबीआई ऐसे इस उपकरण का प्रयोग तब करेगा, इसका रेट बढ़ा देगा कि लो, तो जब बैंकों से पैसा ही नहीं जाएगा लोगों के पास, अगर जाएगा तो ऊंची ब्याज दर पे जाएगा, तो ये जो महंगाई है, मुद्रास्फीति है, वो अपने मुंह के बल गिरेगी। ठीक है, वो अपने मुंह के बल गिरेगी। तो देखो सीआरआर से महंगाई को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, ये समझ आया कि नहीं? अरे यही यही एप्लीकेशन है, यही फंडा है। ठीक है, यही एप्लीकेशन है। तो अब इसके अंतर्गत आपको देखना है भाई साहब, इसके अंतर्गत कि मान लो कि अर्थव्यवस्था में पैसा ही नहीं है, अर्थव्यवस्था में पैसा नहीं है तो आर्थिक संवृद्धि नीचे आ रही है। अब आरबीआई को पता चल रहा है कि भैया हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो नीचे गिर रही है, नीचे आ रही है, तो इसके लिए क्या होगा, तो होगा क्या अगर इसकी बात करते हैं हम, तो आरबीआई इस समय 3% है, तो आरबीआई कहेगी चलो इसको घटा करके 1% कर दो, तो अब इनके लिए कारोबार के लिए 99 रुपया बच रहा है। तो 99 ज्यादा रुपया है तो सस्ती ब्याज दर पे ये क्या कर सकेंगे, और ज्यादा पैसा है तो लोगों को दे सकेंगे, और लोग ज्यादा मांग करेंगे तो सप्लाई ज्यादा होगी, प्रोडक्शन जब सॉरी जब सप्लाई ज्यादा होगी अर्थात प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो आप क्या देख पाओगे कि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो फिर जीडीपी बढ़ने लगेगी, आर्थिक समृद्धि बढ़ने लगेगी। तो ये चीजें एक दूसरे को ऐसे क्या करती हैं, ऐसे मतलब सीआरआर के माध्यम से यानी आर्थिक समृद्धि को ऊपर लिया ले जाया जा सकता है, और अगर मार्केट में तरलता अर्थात मुद्रा का प्रवाह जाता है तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहां तक हमने चीजें देखा, आज के लेक्चर में हम इतना ही बात करेंगे, कल हम स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो और सीआरआर के बारे में डिटेल से। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, फिर जल्दी मिलते हैं हम।